आप देख रहे हैं सेवन न्यूज पे शोबिज प्लेनेट, जहां सब कुछ मिलता है लॉलीवुड में, बॉलीवुड में और हॉलीवुड में। सेगमेंट हमारा है व्हाट्स इन, यानी क्या खबरें नई हैं और क्या पुरानी हैं। जनाब आज की पहली खबर जान लीजिए, HSY और कतरीना कैफ की पिक्चर्स ने धूम मचा दी है फेसबुक पे। अभी हाल ही में HSY ने अपने इंस्टा स्टोरी पे डाल दी पिक्चर कतरीना कैफ की। हालांकि वो पिक्चर 10 साल पुरानी थी जब वो पाकिस्तान आई थी, लेकिन लोग कह रहे हैं क्या ये वाकई कैट है। लेकिन आपको भी दिखाते हैं वो स्नैप, बड़ी मजे की स्नैप काफी वायरल जा रही है। और जनाब इसके साथ एक खुशखबरी सुन लें कि कतरीना कैफ वाकई में, सुना है कि अगले 2 महीनों में पाकिस्तान आ रही हैं, और आई एम श्योर जब वो यहाँ आएंगी तो मुझ समेत हम सब जानना चाहेंगे, बल्कि लेना चाहेंगे एक जबरदस्त सी सेल्फी कतरीना के साथ। बिकॉज जाहिर है वो आखिर कतरीना कैफ हैं जो कि टाइग्रेस हैं बॉलीवुड की, और उनकी फिल्म भी आ रही है, एक थी टाइग्रेस के कुछ नाम से, बड़ा मजेदार फिल्म लग रही है। लेकिन एनीवेज लेट्स सी क्या बनता है, बिकॉज ये तो बॉलीवुड का यू नो जो सिमानों में एक चाम है जो सर चढ़ के बोलता है। एक और लेटेस्ट बस सुन लीजिए, हमारी बहुत ही अपनी हरीन फारूक आजकल बड़े गुस्से में लग रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटस पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि लगता है मुझसे ज़्यादा मेरी फिक्र मेरे खैर ख्वाहों या शायद दुश्मनों को है। उन्होंने कहा कि ज़रा सी मैं बोल्ड कोई फ़ोटो डालती हूँ, किसी को हग कर रही हूँ, किसी के साथ खड़ी हुई हूँ, और लोग कहते हैं कि तुम इतनी बोल्ड क्यों हो रही हो, तू समझती क्या हो अपने आप को, यार 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 हम लोग क्यों किसी की जान नहीं छोड़ते हैं। आखिर इस सोशल मीडिया ने सबकी जान लेनी है क्या। लेकिन हरीन आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप आखिर सेलिब्रिटी हैं, आखिर लोग कुछ तो कहेंगे ना। वो कहते हैं ना धुआं सा कहाँ से उठता है, ये सब तो चलता है यार, ये दुनिया ही ऐसी है, क्या कह सकते हैं। एनीवेज आप रिलैक्स कीजिए, बिकॉज आप होंगे रिलैक्स तो हम भी खुश होंगे। काजोल और अजय देवगन अब फिर नजर आएंगे एक साथ प्रदीप सरकार की नई फिल्म में, और बहुत अरसे के बाद ये जोड़ा अब दोबारा दिखेगा एक साथ, तो आई एम श्योर ये मजेदार खबर है। एक और ज़बरदस्त सी एंट्री हुई है, ज़बरदस्त सा बेटा हो गया है जनाब, क्यूट सा मुन्ना है वो, एंड दैट इज़ द चाइल्ड ऑफ मीशा शफ़ी, और उनका ये 3री माशाल्लाह से उनकी औलाद है। और वी विश मीशा शफ़ी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स, माशाल्लाह काफ़ी छाई हुई हैं आप आजकल, तो छाती रहिए। फिल्म बरेली की बर्फी हिट हो गई है, और पहले ही हफ्ते में फिल्म ने, हालांकि फिल्म का बजट बहुत कम था, लेकिन फिल्म ने 15 करोड़ कमाए हैं सिर्फ अपने होम कंट्री से। आई एम श्योर इस छोटी फिल्म के लिए ये बड़ी सी ग्रैंड न्यूज़ काफ़ी मज़े की होगी। और अब हम बात करेंगे उस धमाकेदार ट्रेलर की जिसने एक ही दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुड़वा 2 की। ये फिल्म आ रही है 29 सितंबर को, और इस फिल्म में वरुण धवन हैं, और साथ में हैं जैकुलिन फर्नांडिस, हु इज टू हॉट टू हैंडल। तो जनाब आइए दिखाते हैं कुछ सेगमेंट मूवी ऑफ द डे में जुड़वा 2 का ट्रेलर, जिसने आते ही एक दिन में यानी 24 घंटों में 2 मिलियन व्यूज़ हासिल करके साबित कर दिया कि लोग आज भी सलमान खान की जुड़वा को याद कर रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, इस फिल्म में आपके लिए सरप्राइज़ है कि जुड़वा 2 में सलमान खान भी एक छोटी सी बिंदास एंट्री देंगे। आपस की बात है, आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं मूवी ऑफ द डे जुड़वा 2 ऑफिशियल ट्रेलर ओनली ऑन शोबिज प्लैनेट। नाज़रीन आज की जो हमारी मेहमान हैं वो आपके कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस से हमारे शो को 4 नहीं 8 नहीं कई खूबसूरत से चांद लगने वाले हैं। जब वो आई म्यूजिक में उन्होंने रेन किया, वो कहते हैं ना सही मानों में फतह करना म्यूजिक को, उनके गाने रनअवे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स हुए। तो बच्चा मेरा मल मल का क्या बात है, याद आया आपको कि नहीं आया, मैं हूं मगरूर लैला चांद का नूर लैला, कैसे भूल सकता हूँ मैं इन गानों को, क्या शाहकार सुपरहिट गाने थे। आवाज ऐसी के जानलेवा, प्रेजेंस ऐसी कि शी इज मेस्मराइजिंग, और खूबसूरत तो वो है ही है। तो अगर ऐसा कॉम्बो बन जाए कि खूबसूरती और आवाज साथ मिल जाए, तो फिर नाम आता है एक ही, और वो है हमारी बहुत ही सुपर हिट सिंगर ऑफ पाकिस्तान नगमाना जाफरी, एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव हर ऑन आवर शो टुनाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं आपके इस शो प्लैनेट में आकर, और ये वाकई ऐसे लगता है कि किसी और दुनिया में आ गई, और बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बड़ी ड्रीमी, जिस तरह के आप खुद प्यारे इंसान हैं उसी तरह का आपने माहौल क्रिएट किया है, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है वो हर जगह एक अच्छा माहौल क्रिएट कर लेता है, उसमें ये क्वालिटी होती है, वो आप कहते हैं आला। हाँ जी, जिसे कहते हैं आला। तो आपने इस जगह पर भी बड़ा खूबसूरत माहौल क्रिएट किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं शो में आऊँ। पहले तो मेरे लिए बहुत ऑनर है हमारे लिए कि आप हमारे शो में आई हैं, और मेरे आप बहुत फेवरेट भी हैं। लाइक टू वेलकम यू अगेन। पहला सवाल जो बनता है आपसे मेरा, व्हाट मेक्स नगमाना जाफरी सो स्पेशल फॉर अस, क्या है ऐसा आप में जो छाई हुई है आप हर जगह? बात ये है कि वो कहते हैं कि इस पे एक शेर सुनाऊंगा जी, प्लीज सॉरी सुनाऊंगा, कह रही हूँ सुनाऊंगा प्लीज कि
नजर का हुस्न ही होता है सब कुछ। वाह, नजर का हुस्न ही होता है सब कुछ, हसीनों का सवर्णा कुछ नहीं। क्या बात है, ये सब है आपका हुस्न समाज, मेरी आवाज वरना कुछ नहीं। बहुत आला, बहुत आला। बात यह है कि ये लोगों की मोहब्बत होती है, हर मंजर मंजर को खूबसूरत नहीं होता, वो देखने वाले की नज़र में वो खूबसूरती होती है कि उस मंजर को खूबसूरत बना देती है। तो ये मेरे फैंस की, आप जैसे अच्छे दोस्तों की नज़र है कि मुझे वो अच्छा समझते हैं, मैं उनको अच्छी लगती हूँ, वरना मुझ में मैं ही समझती हूँ कि कोई कमाल नहीं। और मैं हमेशा यही सोचा है और हकीकत में यही सोचा है कि जो लोग मुझसे मोहब्बत, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ यार मुझे मतलब कुछ नहीं, मुझसे क्यों लोग यानी कि प्यार करते हैं, ना तो मैं कोई क्लासिकल सिंगर हूँ, ना मैंने कोई रियाज किया है, ना मेरा कोई उस बैकग्राउंड है म्यूजिकल, ना मुझसे क्यों मेरे गाने इनको, मुझे खुद नहीं पसंद आ रहे अपने गाने इनको किस पसंद, यानी कि इतनी हकीकत पसंद मैं होती हूँ अपने बारे में। तो लोग कहते हैं कि क्या, मैंने कहा देखिए मैं हकीकत पसंद इंसान, ये सिर्फ आपका प्यार है, मोहब्बत है कि आप चाहते हैं कि मैं स्टेज पर आऊँ, गाऊँ आप लोगों के लिए। तो बस मैं कोशिश करती हूँ अपनी छोटी सी कि मेरे आने से खुश होती हैं, ऑडियंस खुश होती है। फिर यह है कि जाहिर है कि फनकार के लिए ऑडियंस का प्यार जो है एक ऑक्सीजन की अहमियत रखता है। तो फनकारों के लिए तो मेरा ख्याल है कि जो लोगों की मोहब्बत है वही बहुत बड़ी चीज़ है और वो उसी पे जीता है, आप यकीन करें। और हमारे मुल्क में तो जीता ही सिर्फ लोगों की मोहब्बत के सहारे। मतलब मेरा ये मानना है, अब कि आप लोग भी इससे करेंगे एग्री, कि अगर हम पाकिस्तानी म्यूज़िक की हिस्ट्री देखें अभी तक की, तो इनके बगैर शायद वो इनकम्प्लीट होगी। यकीन करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे देखते हैं अपने म्यूज़िक करियर को शुरू से अब तक, कैसा लगता है सफ़र को पीछे से मुड़ के देखना? सफ़र को अगर मैं देखूं तो बहुत तकलीफ दे भी था सफ़र। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी सही मंजिल पहुंचने के लिए जब कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो समझ लें कि आपकी आपकी मंजिल का तय्यून जो है ना आपने सही किया है। और कभी भी कोई मंजिल जो है ना बगैर मुश्किल के आप उस अच्छी मंजिल तक पहुँच नहीं सकते। अगर आप एक झटके में पहुँच गए तो एक झटके में गिर जाएंगे भी आ सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो एक झटके में ऊपर जाता है ना बंदा, एक झटके में ही वो गिर जाता है। तो किसी भी अच्छी मंजिल के लिए, खा वो कोई भी मंजिल हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिंगिंग, यानी कि जैसे आपका कोई एम है, यानी कि कोई भी काम है उसके लिए आपके हर्डल ज़रूर आएंगी। लोग आपको मायूस भी करेंगे कि यार तुम कौन से रास्ते पर चल पड़े हो, यार ये रास्ता है ये कौन सा तुमने इख्तियार कर लिया, तो आपको यानी कि डिसहार्ट करेंगे जानबूझकर। तो उसमें यह है कि आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे, आपको मौका नहीं देंगे कि इसको मौका ना मिले, हमें मिल जाए। तो ये कि इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ मुझे यानी कि मेरे लिए इसमें आई। और क्योंकि मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते पर रहकर, क्योंकि मैं ना अपने असूल जो है ना, मेरे कुछ असूल हैं जो मैंने तय किए हैं अपनी ज़ात के हवाले से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस इंसान के असूल नहीं ना वो जानवर है, क्योंकि असूल के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं। तो मैंने अल्लाह से हमेशा ये दुआ की है कि जो मेरे असूल हैं उनके तहत मैं इस शो बिज़नेस में कामयाब हूँ। इसमें कहते हैं थम्स अप, रॉक सॉन्ग। और वो असूल क्या है कि एक तो मैं अनापरस्त हूँ, यस, दूसरी मैं बहुत सेल्फ मेड हूँ, अल्लाह, और तीसरा ये कि मैं समझती हूँ कि इंसान वो इज्जत कभी ना पाए जो इज्जत गंवा के हासिल हो। ये चीज़ बहुत आला, बहुत आला। ठीक है जी, ये मेरे तीन असूल हैं और उन पर मैं कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकी और ना ही कर सकूंगी। और अब बारी सेगमेंट है हमारा सॉन्ग ऑफ द डे। जिस गाने ने धूम मचाई, में हम बात पहले कर रहे थे आपसे, जुड़वा 2 की, उसी फिल्म के गाने को दोबारा से रिवैम्प किया गया है और गाना आप सबका जाना माना है, चलती है क्या 9 से 12, तन तना तन 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 ताड़ा। जी हाँ बिल्कुल, जनाब ये गाना दोबारा बन गया है इस फिल्म में और इस फिल्म के गाने ने भी काफ़ी धूम मचाई हुई है कल के रिलीज़ के बाद। तो आइए दिखाते हैं आपको यू फर्स्ट सॉन्ग ऑन शोबिज प्लानेट, चलती है क्या 9 से 12, फिल्म जुड़वा 2 से। ऑसम वीडियो है, ऑसम मज़ेदार सी फील है, आइए इन्जॉय करते हैं मिलके आपके फेवरेट शो यानी कि शोबिज प्लानेट में। और अब वक्त आ गया है इंस्टा स्टोरीज ऑफ द डे, आइए दिखाते हैं कौन इन जा रहा है और किसकी इंस्टा स्टोरी पे बहुत सारी लाइक्स और व्यूज आ गए हैं। आज की पहली स्टोरी है आयशा उमर की, गाना उनको नहीं आता फिर भी वो बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले जाती हैं, गाना उनको बिल्कुल नहीं आता फिर भी वो अक्सर मेन फंक्शन में गाना गाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हाँ वो हमेशा इन होती हैं बुलबुले के थ्रू या अपनी एक्टिंग के थ्रू हमारी व्हाट्सएप स्टोरी में। हाल ही में उन्होंने एक सेल्फी डाली है, जरा गेस करें उनके साथ कौन है, कैन गेस इट, उनके साथ है बब्बर शेर। जी हाँ, जू गई और शूटिंग के दौरान उन्होंने वहाँ पर आराम से एक सेल्फी ली शेर के साथ। हाउ लकी द शेर इज़ एक्चुअली, तो मज़ेदार सेल्फी है, हमने ऐड की व्हाट्सएप स्टोरीज में। ये देखिए आप दोबारा से आ गई हरीम फारूक,
जिन्होंने पूरी लंबी कहानी छापी है अपनी इंस्टा स्टोरी पे। उन्होंने कहा है कि मैं बोल्ड हूँ तो हम तो भाई ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे। वाह जी क्या बात है आपकी, हमारी हरीम फारूक जी आप फुल छा गई हैं। सलमान खान को बच्चों का बहुत शौक है, ये देखें सामने की इंस्टा स्टोरी में सलमान खान के पास एक क्यूट सा उनका भांजा है, उनकी बहन का बेटा है और बहुत क्यूट लग रहे हैं बच्चा बहुत मासूम से लग रहा है। और सलमान खान तो एवरग्रीन है और उनकी फिल्म आने वाली है, बल्कि सलमान खान ने सुना है कि बिग बॉस भी आने वाला है और हम सब एक्साइटेड हैं कि इस बार बिग बॉस में कौन होगा। ये देखिए आप हमारे नामल अफराज जो ईद पे आ रही है 2, उसकी टीम आजकल गई हुई है लंदन, तो उन्होंने लिफ्ट में ये फ़ोटो ली है तीनों ने कि हम तीनों बड़े थक गए हैं सफ़र करके, क्या करें कि फिल्म तो आने वाली है। लेकिन जनाब टेंशन तो होती है, मुकाबला कर रहे हैं आप जनाब, पंजाब नहीं जाऊंगी से क्योंकि अच्छी खासी फिल्म है। अब पता नहीं फिल्म कौन सी चलनी है कौन सी नहीं चलनी है, लेकिन ये थी हमारी आज की इंस्टा स्टोरी ऑफ द डे। मुझे बताएं कि इतने गाने गाए माशाल्लाह से जो कि ब्लॉकबस्टर हुए हैं, यहाँ दिल के पास कौन सा गाना रहा? 2-3 नाम बताएं ऐसे गानों के जो कि आप समझती हैं कि आपके दिल के बहुत करीब हैं। मैं वैसे अगर आपको बेसिकली बताऊँ ना तो मुझे ट्रेजडी सॉन्ग ज़्यादा पसंद है और वो मेरे यानी कि जो मेरे अपने सॉन्ग है उसमें एक परदेश का गाना है जो गाया था मैंने, ना जा सुन ढोलना छट के ना जा वो परदेश, क्या गाना है वो, लगना नहीं तेरे बाजू, फिर एक लाइन हो जाए उसकी, एक लाइन है हाँ जी लाइन बाकी माइक के सामने ही है, क्यों नहीं कुछ लाइव लाइन हो जाए उसकी। लगना नहीं तेरे बाजू दिल मेरा माहिया, ना जा सुन ढोलना वे हाय छड़ के ना जामी परदे, बहुत आला हाय छड़ के ना जामी परदे, क्या फीलिंग थी। तो ये पता इसे क्या होगा, जो लोग बाहर रहते हैं वो हाँ कुछ हो गई, हाँ क्या यार ये सॉन्ग मेरा बड़ा पसंद भी किया गया बैरून मुल्क जो मैंने अपने कॉन्सर्ट्स किए, बल्कि इवन कुछ लोग ऐसे थे वो कहते हैं कि आपके सॉन्ग ने ना हमें मजबूर कर दिया कि हम वापस पाकिस्तान चले जाएं, हमारे दिल पर इतना असर किया सॉन्ग ने। तो ये कि मुझे बेसिकली ट्रेजडी गाना पसंद है, लेकिन मैं अपनी तबीयत के बरक्स आप गाती ऐसे गाने वो गाती हूँ जो मेरे ऑडियंस को चाहिए, जो मेरे फैंस को चाहिए, जिनकी जिनके जो चाहते हैं कि मैं उस तरह गाऊँ उनके लिए, तो वो फिर मैं अपनी तबीयत को साइड पे रखती हूँ और अपने फैंस को देखती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, फिर मैं वो गाती हूँ। तो कौन सा गाना ऐसा है जो दिल के बहुत करीब है? दिल के करीब तो ये था परदेश, तो और जो आपके बाकी गाने और उसमें भी गजलें हैं, कुछ गजलें हैं वो भी स्लो पर ज्यादा आप ट्रांस कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें यानी कि वो भी गजलें हैं और कुछ। अरे जनाब मेरा ख्याल है कि अगर सामने बैठी हो नगमाना जाफरी तो फिर टाइम हम बिल्कुल जाया नहीं करते, क्योंकि जब सुरों की मलका सामने बैठ जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए आवाज को। तो जनाब आज मेरा प्लान है कि बहुत मैंने गाने सुनने आपसे, मजा आने वाला है, रात 11-12 का टाइम है, लोग एंजॉय करें। सुना एक मैशअप आपका आया हुआ है, वो भी हाँ जी वो भी स्लो सुनते हैं फिर जनाब, आगाज करते हैं मैशअप से और बहुत मजा आने वाला है। ये है शोबिज़ प्लैनेट, तो आइए पहली परफॉर्मेंस हो जाए और एंजॉय करते हैं। क्या बात है, देखा ना आपने किस तरह गानों को अलाइव कर दिया आपने। तो सवाल है आपसे कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, यानी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है बीइंग अ फीमेल इन द शोबिज़ की जो इस चकाचौंध दुनिया है उसमें। ये तो आपने मेरे दिल के ऐसे दिल का सवाल मैंने कर दिया, आपने मेरे दिल के फफोले खोल दिए। बात ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो है जैसे कहते हैं मर्द का जो ना इस पर है सारा राज, ठीक है, और क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को हालांकि यहाँ पे ख़वातीन बराबर चल रही हैं, अगर आप घरों में भी देखें तो बीवियों का रोल ज़्यादा है, ठीक है, शोहर पर, और शोहर डरते हैं बेचारे, डरते डरते अपने घर में घुसते हैं, exactly. पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन जब क्योंकि हमारा मुआशरा ना ज़हनी तौर पर पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे तो उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन ज़हनी तौर पर औरत को वो पस्त ही देखना पसंद करते हैं। आप देखिए कि मर्द की हमारे मुआशरे के मर्द की ना ये नेचर है कि वो समझता है कि औरत क्योंकि कम है तो वो ये पसंद ही नहीं करता कि वो उससे आगे निकल जाए या वो किसी कोई ऐसा काम करे जो मर्दों के बराबरी से भी ज़रा थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो वो उसको अच्छा नहीं कंसिडर करता। एग्जैक्टली exactly. और वो कहता तो है कि कई मर्द ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम ये पसंद करते हैं कि शाना बशाना हमारी बीवी चले और जी हमें वो पसंद है, लेकिन वही मर्द
जब दूसरे साइड पर आता है तो वो ये कहता है कि जो काम करने वाली ख्वातीन हैं ये ख्वातीन अच्छी नहीं होती हैं, ये आज़ाद पसंद होती हैं और फजा और बस बहुत कुछ कहता है। तो बात ये है कि हमारे इसी मुआशरे में औरत के लिए सर्वाइवल और वो भी शो बिजनेस में बहुत मुश्किल है। सही है, सही है। क्योंकि शो बिजनेस की औरत के बारे में ना हमारी जो सोच है वो शायद अगले 20 साल में भी ना बदले, क्योंकि कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इसको थोड़ा सा कुछ बदनाम भी किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, वो हर जगह होते हैं। अगर कोई बैंक की जॉब है उसमें भी कुछ लोग बुरे होंगे, आपने उससे कॉप अगर डॉक्टर हैं उसमें भी करप्ट लोग होंगे, कैसे डील करना है। तो ये गलत बात है, ये मैं अपने तमाम सुनने वालों और देखने वालों को जरूर रिक्वेस्ट करूंगी मर्द हजरात को कि देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि हर जो है ना शोबिज की औरत एक जैसी होती है, ये प्लीज खुदा रहा इसको निकालिए। ये भी एक जॉब है, जिस तरह डॉक्टर जॉब करती है ये हमारी जॉब है, और जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना वो ऑनेस्टी से ही अपना काम करते हैं। अगर वो शोबिज में है तो वो उसी ऑनेस्टी से काम करेंगे, उन्हें पता है कि ये हमारी रिज्क की जगह है और इसको हमने अपनी साफ नीयत के साथ यहाँ काम करना है। तो प्लीज खुदा रहा शोबिज की औरत को भी इज्जत दें और उसको भी समझें कि वो भी किसी की बीवी बन सकती है, वो भी किसी की बेटी है, और हो सकता है कि कुछ खवातीन के पीछे बहुत सारी मजबूरियां भी हैं जो निकली हैं बाहर, तो इस वजह से, वरना कौन सी खातून है इसका दिल करता है कि वो बेचारी हर वक्त ट्रैवल में रहे, शोज करे, बेचारी को अपना ख्याल तक ना रहे, वो लड़का बन जाए, लड़की होते हुए उसके जज्बात खत्म हो जाएं और वो एक मर्द बन जाए, वो किसका दिल करता है? किसी का दिल नहीं करता। जनाब बहुत दिल की बातें हो रही हैं दिल के साथ। सेगमेंट आ गया हमारा हॉट और नॉट, आपसे हम कुछ सवाल करने वाले हैं। हम कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेंगे जो पूरा पैकेज है ऑब्वियसली। आपने बताया ना कि आर दे हॉट और नॉट, हॉट सेंस में कि वो इन है या मीरा जी, मीरा जी हॉट और नॉट? ओके मीरा जी आप हॉट हैं, आपको बहुत मुबारक हो। रीमा जी, रीमा जी नॉट हॉट। ओके रेशम, नो। ओके हुमैरा अरशद, नो। ओह माय गॉड, शाजिया मंजूर, नो, शी इज साईं, साईं बंदा है वो, मलंग बंदा है। ठीक है, वारिस बेग, नो। ओह माय गॉड, नो बहुत आ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि नो की लंबी लाइन है। अच्छा ठीक है, मैं भी शायद नो। ओके हुमायूं सईद, यस यस। फवाद खान हॉट, वो तो आजकल बहुत ज्यादा हॉट जा रहे हैं। शान ना हॉट। ओके सो यस योर बहुत हॉट हो गया। अली जफर, no. okay. आतिफ असलम, oh very hot, very hot. QB, hot. मतलब आपने अगर QB को कहा है ना hot, तरमीन केशी is नहीं नहीं, देखिए जो अच्छा काम करता है ना और जो अच्छा कहता है उसको मानना चाहिए। Exactly. नूर बुखारी, no. okay. बिल्कुल सना the actress, no. ठीक है, और सहा रजा खान, no. बहुत आला, बहुत आला। अरबाज खान, नो। बबरिक शाह, नो। माय गॉड क्या बात। खुशबू, नो। अब मेरा लास्ट नाम आ रहा है मेरा चन्ना, नो। चले जनाब, मेरा ख्याल है कि पहली बार एक सेलिब्रिटी ने बिंदास दबंग तरीके से नो कहा है, तो क्लैपिंग हो जाए आपके लिए। यकीन करें लेकिन सच बोलना चाहिए ना, जितने भी आते हैं ना वो कहते हैं ना वो हॉट है। असल में बात ये कि वो करते हैं सियासी बयान, मैं ना जरा सियासी बयान नहीं, मैं सीधी सीधी बात करूंगी जो वाकई है। लेकिन जिसे फनकार खुद अप्रिशिएट करे ना वही बंदा हॉट होता है। अच्छा ऐसा कोई गाना था नगमाना जी जो किसी और ने गाया एंड व्हेन यू लिसनड आपको लगा कि मैं गाती थी ज्यादा अच्छा गाती? ऐसे तो बहुत सारे सिंगर हैं लेकिन मैं उनकी दिलाजारी नहीं करना चाहती। गाना गाना हो ऐसा बहुत सारे देखें, अब जैसे बॉलीवुड साइड से गाना हो, देखें जैसे अब एक सॉन्ग है रश्के कमर, उसकी कमर तोड़ दी है पाकिस्तान वाले लोगों ने उस गाने की, और तो फिर इंसान सोचता है यार इससे अच्छा तो मैं गा लेती जो ही गा रहे थे। बहुत एक लंबी लिस्ट है, मैं अब क्या क्या बहुत लंबी लिस्ट है, सब लोगों ने आजमा लिया। तो ये है कि लेकिन बहरहाल ये कि सब अपनी जगह पे अच्छा काम करें, मैं समझती हूँ मैं सबसे कम हूँ और मैं अभी तक सीख रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि वो कम गा रहा है या मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, मैं अभी तक कोशिश कर रही हूँ, अभी तक मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ और टिल डेथ मैं स्ट्रगल करती रहूंगी और अपने काम से खुश नहीं होती कभी, मुतमईन नहीं होती। अच्छा हु इज अ बेटर सिंगर, शाजिया मंजूर या फरिया परवेज? शाजिया मंजूर। ओके एंड हु इज बेटर, हुमैरा चन्ना या हुमैरा अरशद? हुमैरा चन्ना। ओह माय गॉड, एंड हु इज बेटर, वारिस बेग या फिर अली जफर?
बारिश हुई। ओह यस, क्या बात है। सेगमेंट आ गया हमारा अप क्लोज एंड पर्सनल। कुछ मजे के सवाल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किसने क्या जवाब देती हैं आप? स्टार्ट करें जी आपको। हाँ जी हाँ जी। बिगेस्ट सपोर्ट कौन है आपका इस अपनी फैमिली में? अगर आपको मैं बताऊं तो घर शायद कौन? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। ओह माय गॉड, ओके। फेवरेट वेकेशन स्पॉट? कोई खास नहीं है। मैं अपने घर में रहना पसंद करती हूँ। मुझे मैं ये समझती हूँ कि इंसान के दिल के अंदर सुकून होना चाहिए। अगर वो दिली तौर पर खुश नहीं ना, तो वो कहीं भी चला जाए, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया देखी है तकरीबन आपकी दुआ से। लेकिन मैंने ये नतीजा निकाला है कि अगर आपका दिल मुतमईन है तो वेकेशन ही वेकेशन है और एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। बिल्कुल सही है। कहाँ देखती हैं अपने आप को आप 5 साल के बाद? अभी तो बहुत, यानी कि मैंने जाहिर है इतना बड़ा गैप दिया है, बहुत सारे सिंगर आ गए हैं और आप देखें हर दूसरा बंदा सिंगर है। एक गाना गाते हैं उसको वायरल करते हैं फेसबुक पे और सिंगर। तो अभी ये इतने वायरस की तरह फैल गए हैं कि वायरल सिंगर, कि वो वायरस जो है ना उससे अब मैंने जान छुड़ाने की कोई उसका करना है अपाय हो। लेकिन अभी मैं बहुत पीछे हूँ, मैं साफ साफ बात करूँ। हाँ। तो बहुत सारा आगे निकल चुका है ज़माना। अब मैं उसके मुताबिक अपडेट करूँगी अपने आप को और अपने सॉन्ग्स को देखूँगी कि मैंने अब उन पर कितना वर्क करना है। ठीक है। कौन सा कलर बेस्ट कैरी करती हैं आप? ब्लैक। ये आर्टिस्ट को ब्लैक और व्हाइट का बड़ा पसंद होता है। ब्लैक वैसे ब्लैक के बाद में रेड पसंद है। अगर आप ना होती म्यूजिक तो कहाँ होती? अगर मैं म्यूजिक ना होती, अगर सच्ची बात बताऊं तो मैं CSS करती और मैं पुलिस के किसी बड़े महकमे में जाती। आई एम श्योर यू कैन बी अ वेरी गुड पुलिस ऑफिसर, सीरियसली। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो टू चेंज एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या चेंज करेंगी? मैं ये चेंज करूंगी, मैं हसास बहुत हूँ। मैं इतनी ज़्यादा हसास हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा यानी कि गहराई से सोचती हूँ, क्योंकि जिसके नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। यानी कि मैं बहुत आगे का यानी कि मंजर जो है सोच लेती हूँ और वैसा हो भी जाता है। हैरानी की बात तो ये। ठीक है। अच्छा, सॉन्ग ऑन रिपीट इन योर CD, तो गाना चल रहा है बार बार आजकल? मेरा गाना जी अभी रिमिक्स हुआ है जो चोला बोस की दसराई की। ओह वाओ। और उसको क्योंकि आज की यंग जनरेशन के मुताबिक उसको हमने रिमिक्स किया है और कोशिश की है कि वो पसंद आए लोगों को, क्योंकि सराय की बड़ी मीठी ज़ुबान है, उसमें बड़ी आजी है, बड़ी इंकसारी है। इस वजह से वो ज़ुबान मुझे पसंद भी है, मेरे फादर साइड की भी वो। और मैं एक बात बताऊँ आपको, वो हमारे रेडियो चार्ट में टॉप पे जा रहा है। तो आइए जनाब, फिर मौका भी है, दस्तूर भी है, महफिल भी है, रात जवाब भी है। जी, तो चोला बोस्कीदा हो जाए जनाब। बिल्कुल जनाब, आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं 7 News पे शोबिज प्लैनेट। जनाब के प्लान्स क्या है, अब क्या करना है नेक्स्ट? आप पहली मिस्टेक तो आ रहा है। हाँ, बता रही थी अभी गाने का, मशहूर गाने का। और व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइन? अच्छा, एक सवाल है, हैव यू एवर थॉट ऑफ एक्टिंग? क्योंकि आप खूबसूरत भी हैं। एक्टिंग, और अगर सिंगर खूबसूरत हो ना नगमाना जी, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। देखिए, अगर आप मूवी बनाएंगे ना, हाँ, तो उसमें मैं जरूर काम करूंगा। आहा, क्या बात है। क्योंकि मैं ही समझती हूँ कि इंसान को जो काम थोड़ा बहुत आता है वो उसी में रहे। ठीक है। अगर वो चारों तरफ पैर फैलाएगा तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सी, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, मूवी मेकर्स जो हैं, उनमें थोड़ा सा ये है कि वो क्रिएशन की तरफ से थोड़े से या कमज़ोर हैं या पता नहीं जानबूझ कर वो ऐसा काम करते हैं। अगर कोई क्रिएटिव बंदा चाहेगा ना मुझे यूटिलाइज करना, तो ये डायरेक्टर का काम होता है कि वो उसे यूटिलाइज कैसे करता कैसे है करेगा? अब अगर मेरा वोकल है, एक मेरा वोकल है कि मेरा ना रफ सॉन्ग गाना है, रफ एक मेरा है जैसे टाइटल सॉन्ग गाते हैं। अब मुझे वो कहे कि जी तुमने ना लता मंगेशकर का गाना ना लता मंगेशकर की गाना है, तो उसमें मैं ना काम हो जाऊंगी। तो बात ये है कि अगर कोई ऐसा क्रिएटिव बंदा हो, अगर वो कोई ऐसी मूवी बना रहा हो जिसमें वो देख सकता है कि मुझे यूटिलाइज कैसे कर सकता है, जिसमें मेरी इज्जत पहली वाली भी कायम रहे, ये ना हो कि पहली वाली भी वो खत्म हो जाए ऐसे सिंगर कि देखो जी इसने ये काम छोड़ के इसमें आई तो ये इसने क्या किया, जैसे कि अक्सर हमारे फनकारों के साथ हुआ है। तो ये है कि अभी तो फिलहाल ये कि मुझे सैयद नूर साहब ने बहुत सीरियसली ऑफर की थी कि मैं एक बैंड स्टाइल की लड़की पर फिल्म करना चाहता हूँ, तो तुम्हें मैं समझता हूँ कि इसमें रखूँ। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि देखें बात ये कि मैं ना अभी इसी काम में भी कमज़ोर हूँ जो मैं कर रही हूँ, इसको भी अगर मरते दम तक मैं ये नहीं कह सकती कि ये मुकम्मल हो गया, हमारी अपलिटिशन की ही मुकम्मल नहीं जब, क्योंकि इसमें ये वो समंदर है, कोई भी काम है वो समंदर है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि आज ये हमारा मुकम्मल हो गया, तो ये मैं नहीं कर सकती। तो कहते कोई और लड़की होती तो वो फोन करती, मैंने कहा लेकिन नहीं, मैंने कहा ये इंसान को अपनी ना पहली जो वर्थ है ना उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वो कुछ करता है ऐसा तो फिर किसी ऐसे बंदे के साथ करे जो उसको यूज, उसके टैलेंट को यूज करना जानता हो। बिल्कुल ठीक है। तो प्यार क्या है आपके नज़दीक?
जी प्यार तो इस दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में है नहीं, दुनिया में वैसे है, क्योंकि आप जो है ना जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है तो रिश्ते मतलब के तहत बनते हैं, फ़ायदा देखा जाता है, कारोबार देखा जाता है, तो प्यार तो है ही नहीं। और मैं समझती हूँ कि एहसास का नाम दरअसल प्यार है, और अगर किसी को आपका एहसास ही नहीं, वो रोज़ बस 10 टाइम ना आपको फ़ोन करके ये क्या आई लव यू, मैन मर जाना है तुम्हारे बगैर, ठीक है जी। तो बात ये है कि जिस तरह के हम लोग ना बस ये कहते रहते हैं जी हमें अल्लाह से बहुत प्यार है जी, हम बस बड़े वो हैं जी बस, लेकिन अमलन हम कोई अच्छा सबूत नहीं देते अल्लाह को खुश करने का, उसी तरह के ना हम आशिक भी इसी तरह के हैं, बिल्कुल ठीक, कि वो आई लव यू पर पूरा जोर रखते हैं लेकिन अमलन वो किसी के लिए कुछ नहीं करते, नहीं करते, वो मरे वो जिए वो अकेली है या वो अकेला है। लड़की ने वैसे ही करना है, लड़के ने, क्यों क्यों, क्योंकि अब जो है ना यहाँ के जो लोग हैं मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, सही बात है, अब फायदे ढूंढते हैं, अब मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं रही जो कभी हमारे वालदैन के जमाने में होती थी, अब तो मोहब्बत ये है कि आपसे मुझे कितना फायदा होगा, अगर मैं बीवी के अगर अमीर खानदान में शादी करूं ये मुझे कितना सपोर्ट करेंगे, अब तो ये प्यार है, और ऐसे प्यार को हम प्यार नहीं मानती, कारोबार मानती हूँ, ठीक है। हाँ तो कि क्या तैयारियां हैं ईद की, ईद करीब है, और क्या प्लानिंग घरों में, और क्या गाय के बकरा इस दफा? नहीं नहीं, हम बकरा ही लेते हैं, मटन लेते हैं, और फिर उसमें बस हमारे घर में तो ज्यादातर ही रिवाज है, वैसे बड़ा कुछ लोग कहते हैं अजीब रिवाज है, हम जिस दिन कुर्बानी करते हैं उसी दिन सारा गोश्त जो है वो गरीबों में डिलीवर कर देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम बजाय अपने जानने वालों को या अपने रिश्तेदारों को यानी कि ये दें, यूटिलाइज करें इसको, वो तो सारा साल इंजॉय करते हैं, वो खाते हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि गरीबों को ही दे देना चाहिए, हम अपने लिए भी रखते हैं घर में, या शायद आपको हैरानी हो, एक बोटी भी नहीं खाते हम, एक बोटी भी नहीं खाते हम लोग, सिर्फ ये सोच के कि हम सारा साल ऐयाशी करते हैं, सब कुछ खाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो बंदा, देखिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये फरमाया कि जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ वैसा करो, लेकिन अगर तुम उसको दर गुजर कर देते हो ना तो तुम्हारा मकाम बहुत ऊपर है, एग्जैक्टली, बिल्कुल, यानी कि अल्लाह ताला ने ये कहा, बिल्कुल कहा कितने हिस्से करो, लेकिन अगर कोई इंसान ये सोचता है ना उसमें ह्यूमैनिटी है कि मैं अपना भी हिस्सा दे दूँ तो अल्लाह ताला की नज़र में उसका मकाम बहुत ऊपर है, कि उसने अपना भी नहीं सोचा और ये भी सोचा कि उसे अगर रान भेजूंगा कल मुझे फायदा होगा, तो ये चीजें हमें दर कर छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए। जनाब सेगमेंट है हमारा नॉस्टैल्जिक तड़का, हम याद करते हैं किसी पुराने गाने को जो यादों में बसे हैं, और आज जिस गाने को हमने चूज किया है ना नगमाना जी, वो हम सबके बहुत फेवरेट गाना है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, और गाना गेस करें कौन सा हो सकता है, दैट सॉन्ग इज जिसमें रेखा है, अमिताभ बच्चन जी है, और रेखा उनको, हाँ वो गाना है जनाब, सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो तुम हमसे प्यार करने की, जरा सी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। तो नाम आइए याद करते हैं इस गाने को, दिखाते हैं ये गाना आपको, इंजॉय के वापस आते हैं और शो की अपनी एंडिंग करते हैं, लेकिन एक गाना भी बाकी है आपका इसके लिए हम बहुत बेचैन हैं, वो है मगरूर लैला, वापस आते हैं और फिर और बातें करते हैं। जबरदस्त जनाब, क्या गाना था, मजा आ गया, अमिताभ बच्चन और रेखा का ये गाना, ऐसा क्लासिक सॉन्ग, अमिताभ तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है एज ए हीरो, और वो, और क्योंकि हमें बहुत लोग कहते हैं कि हमें पुराने गाने भी दिखाए गए, तो दिखाते हैं सबके लिए, वो प्लेनेट है ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो जनाब आप बताएं, सेगमेंट है हमारा दिल की बात दिल के साथ, कुछ दिल से कहेंगे आज? हाँ जी, मैं दिल से अपने तमाम मुल्क के लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बज़ाहिर बड़ी मॉड स्क्वाड नजर आती हूँ लेकिन मेरे अंदर ना एक बड़ा जज्बाती किस्म का पाकिस्तानी भी मौजूद है, रहता है, जो मरने के लिए, यानी कि जो मरने के लिए भी तैयार रहता है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क जिस पोजीशन का शिकार है, तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम लोगों को ना ये जो जात पात है और ये जो फिरके हैं, ये जो इनको भूल कर हम लोगों को इस वक्त एक होना चाहिए। ये जो हम बकरा ईद पर कुर्बानी देते हैं ना, बेसिकली इस कुर्बानी के पीछे एक सबक है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, वो जज्बा, वो कि कुर्बानी, वो तो चले बकरा हलाल हुआ लेकिन उसके पीछे अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक सबक दिया है। ये सबक नहीं दिया कि तुमने बकरा हलाल करना है और वो बांट देना है और खा लेना है और दे देना है, वो सबक नहीं, सबक ये दिया है कि वो जब हम बकरे को हलाल करते हैं वो एक कुर्बानी है, उस कुर्बानी से बहुत लोगों का फ़ायदा होता है, ठीक है, गरीबों का फ़ायदा होता है। इसी तरह हमें जब हमारे मुल्क पर कोई मुश्किल आए तो हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जी उसके हल्के का है, ये उसके हल्के, भाई कौन सा हल्का, हमारा मुल्क है, हम सब एक हैं, हम एक होंगे तो ये मुल्क कामयाब होगा, यहाँ पे अच्छे हमारे सर पर हुक्मरान होंगे, इस मुल्क में खुशी होगी,
क्यों नहीं आप ये समझते जी? और यही पैगाम मैं हमेशा अपने अपने पेज पर भी दिया है और अब भी दूंगी, और ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। यू आर द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का, और जो आपका ना बता रहा था पूरा, वी लव यू, थैंक यू, आप बहुत जबरदस्त है जनाब। ये था हमारा आज का शो, लेकिन आई एम श्योर आपने बातों को आज बड़ा, इन्होंने अच्छे पैगाम दे रही वैसे हमें, आपने 5-6 ऐसी बातें कर दी हैं जो कि आई एम थिंक जेम ऑफ टॉक था, तो जनाब उन पे अमल कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। और एंडिंग करूंगा वही बात, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। ये था आज का शो, लेकिन जाने से पहले आपकी रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट, मैं हूँ मगरूर लैला जान का नूर, टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गाना आपका होगा।